साल पहले आज ही के दिन 14 फरवरी को पुलवामा में अटैक हुआ जिसमें 44 भारतीय जवान शहीद हुए। इसके लिए आज नागपुर में एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम शुरू है आम आदमी पार्टी के द्वारा, लेकिन उसी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कुछ युवक है जिन्होंने 2018 में SSC की एग्ज़ाम दी थी, 2019 में वो पास आउट हुए थे, बीच में मेडिकल और फिजिकल हुआ, लेकिन अब तक इनको नौकरी नहीं दी गई है। SSC ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट की थी और उसके बाद ये भी बता दूँ कि अपने नौकरी के लिए इन्होंने बाकायदा दिल्ली में जाके आंदोलन किया और वहाँ की पुलिस ने इन्हें इतना मारा कि आप यह हैं विचार नहीं कर सकते। इसलिए मारा क्योंकि इन्होंने अपने अधिकार की बात की थी। मेरे साथ कुछ लोग हैं जवान, उनसे बात करते हैं कि सर आप बताइए कि आप कब एग्ज़ाम पास हुए, क्या हुआ दिल्ली में, क्या हुआ था, क्यों आपके साथ लाठीचार्ज किया गया था, क्या बताएं। सर हमारे एग्ज़ाम मतलब फॉर्म निकले थे 2018 में, फिर 2019 में हमने एग्ज़ाम दी उसकी, बीच में सारे उसके फिजिकल और हमारे मेडिकल भी क्लियर हो गए, लेकिन फाइनली उन्होंने 2021 में मतलब 3 साल बाद मेरिट लगाई, वो भी उन्होंने उसमें नॉर्मलाइजेशन करके जो बच्चे के कम मार्क थे उनके ज़्यादा मार्क कर दिए, जिनके ज़्यादा थे उनके कम कर दिए। इस हिसाब से मतलब इसमें एक प्रकार का उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो जो उनके करीबी थे उनका नाम लिस्ट में डाल दिया और हम सारे जो गरीब बच्चे उनको लिस्ट से बाहर कर दिया है। 2021 को 21 जनवरी 2021 को इसका रिजल्ट लगा था, फिर तब से हम दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिल्ली में हम नितिन गडकरी जी के घर पे मतलब दिल्ली का जो घर है वहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो दिल्ली में हमने कम से कम 7 या 8 बार उनके घर गए लेकिन उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। दो बार हम नागपुर आके गए उनके घर के सामने प्रोटेस्ट किया लेकिन फिर भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो आज से हमने ये ठान लिया है कि आज ये जो पुलवामा हमला हुआ था उनको श्रद्धांजलि अर्पण करके हम आज से ही हमारा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। और दिल्ली में सर मतलब ये जो BJP सरकार है, नितिन सर जो है मतलब गडकरी जी जो है, इनकी सरकार ने हमारे ऊपर इतने लाठीचार्ज किए कि आप पता नहीं मतलब बहुत सारे बच्चों के हाथ तोड़ दिए, 2 बच्चों के पेड़ तोड़ दिए इन्होंने, बहुत सारे मतलब हमारे साथ अन्याय किया है। क्यों किया है? क्योंकि आप अधिकार की मांग करते इसलिए लाठीचार्ज किया? सर इनका कहना है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, मतलब हम हमारे हक के लिए रास्ते पर उतर रहे तो हमें वो डिटेन कर देते हैं, क्यों हमारा हक मांगना भी गलत है क्या? आप बताइए कि अगर हमें अभी नितिन गडकरी जी क्या बोलते हैं कि ये मेरे हाथ में नहीं है, आप सीधे अमित शाह जी के पास जाओ, अगर मुझे जो एक किसी जियो का मोबाइल ले लो साथ में, जियो का मोबाइल का अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं सीधा अंबानी के पास जाऊँगा क्या? तो ये उनका कहना है, उनका पोर्टफोलियो नहीं है उनका, तो आप अमित शाह के घर पे क्यों नहीं जा रहे, उनसे क्यों नहीं मांग कर? सर आप ही बोलो ना कि हम सर बच्चे कैसे जा सकते हैं उनके घर। आप प्रोटेस्ट तो नितिन गडकरी घर के सामने भी कर रहे थे, अमित शाह के घर के सामने क्यों नहीं कर सकते? सर वहाँ पे तो हम लोगों को पहुंचने मतलब उनके घर के सामने भी रहने निवेदन दिया कभी अमित शाह को जाते हैं कि ये तो इजी होता है। अमित शाह जी प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जी को भी मतलब महाराष्ट्र का एक सांसद और अदर स्टेट के भी बहुत सारे ऐसे सांसद है, उनको हमने उनके घर जाके निवेदन दिया पर्सनली, एक बार नहीं सर दो तीन बार निवेदन दिया है, फिर भी अभी तक उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। नितिन गडकरी जी के यहाँ कम से कम हमारे 20 या 25 निवेदन पड़े होंगे लेकिन अभी तक उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। कितने बच्चे हैं आपके ऐसे जो फिलहाल नौकरी के बिना है? सर हमारे पूरे महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो ऐसे 150 बच्चे हैं सर, तो अभी तक उन्होंने और वैकेंसी जो है 293 के ऊपर खाली रखी है उन्होंने, फिर भी हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। ये जो आप जो फुटेज में देख रहे हैं ये विद्यार्थी जो है ये नौकरी पाने के योग्य है, SSC के एग्ज़ाम पास किए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के एग्ज़ाम क्रैक किए हैं लेकिन अभी तक उनको नौकरी नहीं दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या परेशानी होती है, 3 साल से आपको नौकरी नहीं मिली है, घर में क्या परेशानी होती है? देखिए हम 3 साल जब हम जो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, हम दिल्ली बहुत बार जा चुके हैं, अब तो फिलहाल हमारे पास से पैसे पूरे खलास हो चुके हैं, इसलिए हमारी एक ही विनती सरकार को हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। तो आप ये सब जो लोग विद्यार्थी ये सब नागपुर के हैं? मतलब सर पूरे महाराष्ट्र के बच्चे हैं, सभी जिले से अलग अलग बच्चे हैं और कल से बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे सर। कल क्या करने वाले सर? हम सीधा कल नितिन गडकरी जी के बंगले के सामने वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने, वो भी आमरण उपोषण करने वाले हैं। आज ही हम करने वाले थे लेकिन नागपुर पुलिस वालों ने हमें डिटेन करने की धमकी दी थी,
थी, लेकिन उन्होंने हमारा सपोर्ट भी किया। वो बोल रहे थे कि हम उनके नितिन सर के पास आपको लेके जाएंगे, आपकी बात करवाएंगे। आज हम गए थे भी, लेकिन गडकरी सर ने हमारी बात नहीं मानी। आज भी आपकी नौकरी मिल जाती तो आप फ्यूचर के जवान हो ना हमारे देश के। जी सर, तो क्या बताइए, क्या मांग करोगे हमारे देश के जो राजनेता है उनसे? सर, अगर आप एक नेता भी देख लो तो उनको जो सिक्योरिटी रहती है वो किसकी रहती है? जो पैरामिलिट्री फोर्स की रहती है। तो आप बोलो, हम अभी क्या कर रहे हैं? हम एक साल से पूरी शांति के साथ मतलब हमारा जो काम है वो कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यह अभी तक हमारी मतलब यह हमारा इंतजाम ले रहे हैं कि हम ये काम नहीं करें कोई तो सरकार को मतलब सरकारी जो वस्तु है उसको नुकसान पहुँचे। लेकिन हमको पता है कि हमारा जो आंदोलन है कि ये जो पैरामिलिट्री फोर्स का है उसमें शिष्टाचार जो रहता है, अनुशासन जो रहता है उसको मायने रखता है, इसलिए हम पूरा अनुशासन के साथ हमारा काम कर रहे हैं। अगर सपोज कि आपको ये नौकरी नहीं मिलती है तो क्या परेशानी होगी, या आपको फिर एग्जाम देना पड़ेगा, फिर वो सारा प्रोसीजर पूरे एक साथ होगा, या फिर ये टेक्निकलिटी है कि आपको नौकरी मिलने वाली लेकिन आज नहीं तो कल मिलेगी? सर, हम तो एग्जाम नहीं दे सकते अभी आगे की, क्योंकि हम ओवर एज हो चुके हैं, इसलिए हम आगे की एग्जाम नहीं दे सकते। और रही बात, अगर ये एग्जाम नहीं मिली तो हम क्या करेंगे सर? दर दर किया मतलब अभी आप बात कीजिए, बेरोजगार युवा कितना पड़ा हुआ है। तो अभी नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि आपको बहुत सारे आपके पास जॉब उपलब्ध है प्राइवेट में, लेकिन कहाँ उपलब्ध है सर? 2000 उन्होंने कहा था कि मैं हर साल 2-2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन आज तक तो नहीं दिया। मेरे ख्याल से तो 2 करोड़ उन्होंने जो 2014 से आए वहाँ से 2022 तक अभी तक उन्होंने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया। तो वो बोल रहे थे कि एक साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये विद्यार्थी है जिन्होंने SSC के एग्ज़ाम क्रैक की है, बाकायदा 3 साल से ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें नौकरी पे लिया जाए, लेकिन नहीं लिया जा रहा है, और इसी के कारण आज जो पुलवामा अटैक हुआ उनके जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपना विषय भी वो यहाँ पर लेके आए हैं। आंदोलन कैंडल 14 फरवरी 2021 पुलवामा मध्ये जे पुलवामा अटैक जो झाला होता त्याच्यात 40 शहीद झालेले होते, आपले 40 जवान शहीद झालेले होते, त्यासाठी आम्ही आज इथे कॅन्डल मार्च आणि श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। त्या सर्व 40 शहीद जवानांना मी विनम्र श्रद्धांजली अर्पित करते। आज सुद्धा 3 वर्ष झालेले आहे या अटॅकला, परंतु आज सुद्धा त्यांना न्याय मिळालेला नाही आहे। त्यांचे जे 3000 RDX जो सापडला त्याच्यानंतर भरपूरशा अशा गोष्टी होत्या ज्यामध्ये की अचानक त्यांना कॉल आलेला आणि जायचं आहे, त्यानंतर रॉंग साईडनी गाडी येते, त्यांची सिक्युरिटी कुठे होती नाही, अरे ते देशाची सिक्युरिटी करतात, आपल्याला सुरक्षा देतात आणि आमचे जे शहीद झाले त्यांना सुरक्षा नाही, हा खूप मोठा प्रश्नचिन्ह त्यावेळेसही निर्माण झालेला होता आणि आजही तो प्रश्नचिन्हच आहे 3 वर्ष झाले सुद्धा। म्हणून मी आपल्या प्रधानमंत्रीला आवाहन देते की जे ज्या प्रकारे हा जे शहीद झालेले होते शहीद, त्यांना न्याय मिळवून देणे ही तुमची जिम्मेदारी होते। जेव्हाही देशात काही चांगलं झालं त्याची सर्वस्व जबाबदारी तुम्ही आपल्या अंगावर घेता, तर मग जेव्हा काही चुकीचं झालं त्याची जिम्मेदारी तुम्ही आपल्या अंगावर का नाही घेत? अजूनपर्यंत त्यांना न्याय का नाही मिळालेला आहे? आता त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, 3 वर्ष झालेले आहे आणि जोपर्यंत शहीद जवान पुलवामा शहीदांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम आदमी पार्टी सतत पुलवामा शहीदांना श्रद्धांजली ते तर नेहमी देणारच, पण यासाठी सतत प्रधानमंत्रींचा निषेध आम्ही करत राहू। आणि आताही मी प्रधानमंत्रीला रिक्वेस्ट करते की त्यांना न्याय लवकरात लवकर मिळून देण्यात यावा। धन्यवाद। अटॅक झाला, 3 वर्ष पूर्ण झाली, न्याय त्यांना मिळालेला नाही आतापर्यंत, कोण आरोपीही पडलं नाही, काय म्हणतो याबद्दल एकच सांगू शकते की आम आदमी पार्टीतर्फे आज त्यांना श्रद्धांजली अर्पित करण्यात येत आहे। त्यानंतर ज्याप्रमाणे तुम्ही बघू शकता की 14 फेब्रुवारी 2019 जो बाळ हमला झाला त्याच्यामध्ये कमीत कमी 300 किलो RDX जे आहे ते यूज करण्यात आले, रॉंग साईडनी गाडी चालवण्यात आली। त्यानंतर या हमल्यामध्ये जे बसचा तुतडा झाला, बस जी होती ती बस छिन्न छिन्न होऊन गेली आणि त्याचे तुकडे तुकडे, काही लोकांचे शव देखील मिळालेले नाही। इतका भयानक हमला झाल्यानंतरही भारतच्या प्रधानमंत्र्यांनी आजपर्यंत 3 वर्ष झाले भारताचे जे माननीय प्रधानमंत्री आहे त्यांनी 3 वर्षानंतरही आजपर्यंत काही कारवाई नाही झाली आणि ज्यांनी हे कृत्य केलं त्या कृत्यांना अजूनपर्यंत काही पण शिक्षा झालेली नाही। यावरून हे होते निदर्शनास येते की जर असे हमले पुढे होत राहणार तर आपले जवानांची मनोबल सुद्धा खचू शकते, जे 24 घंटे आपल्या
सीमेवर आपली रक्षा करत असतात, जर त्यांना न्याय मिळणार नाही तर मग या देशाचं कसं? तर प्रधानमंत्र्यांना माझी एकच रिक्वेस्ट आहे की त्यांनी ज्याप्रमाणे आपण शहीदांना सन्मान जर खरंमध्ये द्यायचा असेल तर त्यांना पहिले न्याय मिळाला पाहिजे, नाहीतर जितपर्यंत आपण खून माल अर्पतो हे सगळं वेस्ट आहे. म्हणून शहीदांना न्याय देण्यासाठी त्यांनी एक उच्चस्तरीय कमिटी गठीत करून लवकरात लवकर त्यांना न्याय दिला पाहिजे. आणि जेव्हापर्यंत या शहीदांना न्याय मिळणार नाही तेव्हापर्यंत आम आदमी पार्टीची आणि आप युवा आघाडीची लढाई ही चालूच राहील. धन्यवाद. कॅमेरा पर्सन दिनेश सातपुतेच्या साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपूर.